अक्सर जैसे ही स्टूडेंट्स 12th विद कॉमर्स कंप्लीट करते हैं तो उनके सामने क्वेश्चन आता है कि अब कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, आगे क्या करें। 12th के बाद आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है क्योंकि इसके बेस पर आपका करियर डिसाइड होता है। सो 12th के बाद जितने भी कोर्सेज आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, माईसेल्फ सुरभि वेलकम्स यू ऑल आपके अपने चैनल एजुकेशन मित्रा पर। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि 12th विद कॉमर्स के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, यू कैन ऑप्ट फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज बीकॉम, बीबीए, बीए एक्सेट्रा। दूसरा, आप कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, सीएमए। तो आइए जानते हैं ऐसे तीन ग्रेजुएशन कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी। सबसे पहला कोर्स है बीकॉम। बीकॉम 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है जिसकी एलिजिबिलिटी 50% इन 12th क्लास विद कॉमर्स है। बीकॉम में जनरली आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बीकॉम के बाद आप 2 साल की एमकॉम भी कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है बीबीए यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ग्रेजुएशन कोर्स भी 3 साल का होता है। इसके बाद आप अलग अलग फील्ड्स में एमबीए भी कर सकते हैं जैसे एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, रूरल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बीबीए इज ऑल्सो द एंट्री गेट फॉर द स्टूडेंट्स जो कॉरपोरेट और मैनेजमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीए कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीए इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। बीए का ड्यूरेशन भी 3 साल का होता है और इसकी एलिजिबिलिटी 50% इन 12th क्लास है। दोस्तों, ये सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज आप 3 तरह से कर सकते हैं, रेगुलर, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड। सभी कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन कोर्सेज को करना चाहते हैं। फी स्ट्रक्चर फॉर रेगुलर कोर्स इज 20,000 एंड अबव, ऑनलाइन मोड इज 15,000 एंड अबव एंड डिस्टेंस मोड इज 5,000 एंड अबव। For more details and queries, please check out our website www.educationmitra.in. Cherish your path to a successful career with your Sarthi, Education Mitra, aapki shiksha ka Sarthi.